हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मोना, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 10:30 के करीब बजा हुआ है। माही तो स्कूल चली गई थी आज, एंड ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने कर लिया था महेंद्रन में, एंड मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं कितना सुबह ट्राई करती हूँ ना, जल्दी जल्दी काम कर लूँ, ख़त्म हो जाए 11:30 बजे तक मैं स्कूल लेने के लिए जाऊँ उसको, लेकिन मेरा काम वही 12 बजे तक ही ख़त्म होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर मैं सांभर बनाऊँगी, दाल मतलब चावल के साथ सांभर। एंड यहाँ पे आज साउथ इंडियन में जैसे बीन्स बनाते हैं वो लोग नारियल डाल के, वो मैं बनाऊँगी। एंड यहाँ पे सांभर खाते हैं चावल के साथ, मे भी बहुत लोग नहीं खाते होंगे, तो उसके लिए मैंने प्याज थोड़ा सा, एंड सब्जी बहुत डलता है यहाँ पे, तो मूली बैंगन जो ड्रमस्टिक है वो मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो आपके हिसाब से पम्पकिन भी यहाँ पे बहुत लोग ऐड करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप पम्पकिन ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पम्पकिन अभी नहीं था, एंड होता है तो मैं उसको काट के ऐड कर लेती हूँ, तो उसको मिला के बहुत पतला पतला सब काटिएगा, मतलब थोड़ा सा बस सौते करके 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर, जिसकी ये सब्जियाँ पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं पकाना होता है इसको। थोड़ा नमक डाल के ढक दिया था, एंड टमाटर मैंने एक बड़ा सा डाला था, छोटा है तो 2 से 3 भी आप लोग डाल सकते हो सांभर में, क्योंकि टमाटर से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इसको थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट तक इसको चलाऊंगी, एंड उसके बाद आपको इसमें सांभर पाउडर ऐड करना है। ये ना, ये एवरेस्ट का है सांभर पाउडर, एवरेस्ट सुपर सांभर पाउडर मसाला, ये भी बहुत अच्छा है। इससे एक्चुअली टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी नानी बोलती थी कि वो ये लोग यहाँ पे चेन्नई में ना घर पे बनाते हैं सांभर पाउडर, तो वो बहुत टेस्टी होता है। एक्चुअली घर वाला ही टेस्टी होता है, पर कंपैरेटिवली अगर उसके कंपैरिजन करें तो ये वाला भी अच्छा है एवरेस्ट का, या फिर एमटीआर का भी। मेरी नानी बोलती थी कि एमटीआर का बहुत अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने एमटीआर का लिया था, पता नहीं उसका टेस्ट थोड़ा सांभर जैसा ही नहीं लग रहा था मेरे को। जैसे इन लोगों का साउथ इंडियन में ना सांभर बनाने का टेस्ट एक अलग ही होता है, आप एक मतलब उस स्मेल से आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सांभर बनाए घर पे। तो ये वाला आप लोग ट्राई करो अगर एवरेस्ट का, अगर किसी को सांभर पसंद है। तो आज मैं बना रही हूँ सांभर, यहाँ पे चावल के साथ सांभर खाते हैं। मैं कभी कभी बनाती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे सांभर सिर्फ इडली के साथ खाते होंगे, नहीं इडली के साथ नहीं खाते, चावल के साथ भी खाते हैं। एंड यहाँ पे मैं आज पूरी साउथ इंडियन की तरफ बना रही हूँ खाना, सांभर बनाऊंगी यहाँ पे। एंड ये वाला है बीन्स, बीन्स को मैंने बहुत बारीक पतला 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 एकदम से मैंने कट किया है इसको, तो इसको कोकोनट नारियल डाल के ये बनाऊंगी। कुआरे जाओ चक्की, आए भाई आश्रय आश्रय पर चावल आन दे चक्की ना, वो भैया से जाके पूरा राशन में लेके आ गई हूँ। राशन मतलब कुछ ही सामान लेकर आई हूँ, ये बस यही महीना के लिए। अप्रैल का मेरा कुछ ठिकाना नहीं है, मैं कब घर जाऊंगी या फिर हम लोग यही महीने में शिफ्ट कर लेंगे, कुछ पता नहीं चला है अभी तक। तो इसी के लिए जो जरूरी जरूरी है ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए वही मैं लेकर आई हूँ। चावल मैं बोलना भूल गई थी उनको, ये जाके बोलेंगे, बोल के आएंगे तो वो भैया ला के दे देंगे। तो एक चम्मच हो गया सांभर पाउडर डाल दोगे ना, तो इसमें और थोड़ी देर पकना है और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वेजिटेबल जरूर डालना। माही को ना सांभर का वेजिटेबल, उसको जैसे मूली होता है ये सब खाना उसको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को देना वेजिटेबल जरूर 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 देना। मैं ना जितनी जल्दी सुबह उठ के काम करने की कोशिश करती हूँ उतना ही लेट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। कभी कभी जिस दिन मेरा बहुत ज्यादा काम होता है उसी दिन महेंद्र को या तो ऑफिस से काम आएगा, लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, या फिर उनका कोई इतना पुराना दोस्त कॉल कर लेगा जो कोई घंटों बातें करने लग जाएंगे, उसी दिन ऐसा होता है। मैं तो कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ। तो अभी जो बीन्स का बनाऊंगी मैं यहाँ पे, ये लोग प्याज बहुत डालते हैं इसमें, एंड इसके बाद इसमें थोड़ा सा बस हल्दी पाउडर आपको ऐड करना है। एंड बीन्स को मैंने बहुत बारीक पतला पतला काटा है, ऐसे ही ये लोग काटते हैं बहुत पतला पतला, एंड उसको बस थोड़ा सा आपको चला देना है, नमक डाल के सौते करना है। एंड इसमें मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा बस लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, ये लोग लाल मिर्च ऐड नहीं करते एक्चुअली, गर्म जो सांभर पाउडर होता है घर का वो ये लोग ऐड करते हैं, ये इसी के लिए वो लोग ऐड करते हैं क्योंकि उनका जो घर पर बनाता है ना उसमें अलग से ये लोग चिल्ली बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, तो वो बहुत स्पाइसी होता है, वही वो लोग घर के सारे सब्जियों में वो लोग ऐड करते हैं। तो मेरे पास तो वो घर का नहीं है, तो बाहर वाला इतना स्पाइसी नहीं होता, इसी के लिए मैं थोड़ा चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी। एंड जब बीन्स पूरा पक जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा जो कटोरी होता है उतना मैंने यहाँ पे जो ग्रेटेड कोकोनट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट और बस आपको चलाना है थोड़ी देर ढक के, एंड आपका ये वाला बन गया है सब्जी, एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मेरा सांभर चावल मैंने चढ़ा दिया है, एंड सांभर बीन्स का जो है वो रेडी है। एंड तब तक माही आ गई थी, तो आपने देखा होगा, तो देखिए माही मैडम हमारी क्या कर रही है। मेरे
वेयर इज योर क्लिप? ये देखो स्कूल से आ गई है, मैंने इसको क्लिप लगा के भेजा था, इसके छोटे छोटे से बाल आ जा रहे हैं। कहाँ कहाँ गया क्लिप? कहाँ फेंक दी? स्कूल में बोलो। ये दे दो, निकालो आई कार्ड। बोलो कहाँ पे फेंक दी? देखो एक्टिंग देखो इसका, काटी थी लो स्कूल में क्लिप, काटी थी लो। देन कोड़े बोला ऐसे ही कुछ ना कुछ स्कूल में छोड़ के आएगी। बैड गर्ल, फिनिश करो बनाना। ये देखो इसको दिखाओ नहा के दोबारा से, इतनी मतलब आजकल समर है ना, पसीना पसीना हो गया। ड्रेस दिखा रहे, अपना ड्रेस दिखाओ। ये वाला टॉप है जो मैं बोल रही थी, ये एक लेकर आई थी इसके लिए, स्कूल के लिए नहीं, घर में ऐसे पहनने के लिए। एंड स्कर्ट पुराना सा है उसका, देखो कैसे एक्टिंग कर रही है। लंच नहीं किया अभी तक, करेगी। मैं से हेलो बेबी, पढ़ाई करोगी अभी? ओ यू वॉन्ट टू पेंटिंग, ओके यू डू। एंड ये मैं खाना बना के, सुबह मैंने नहा लिया था, अभी कोई देखेगा ना मुझे बोलेगा मैंने नहाया ही नहीं। सुबह मैंने नहाया था खाना बना के, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है अभी, बहुत मतलब इतनी पसीना पसीना हो रहे ना हम लोग। चेन्नई में वैसे ही गर्मी होती है, अब तो समर भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो मेरा ड्रेस भी पूरा गीला हो गया है, दोबारा से मुझे नहाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखती हूँ कपड़े धो के फिर करती हूँ। महेंद्र को भी लंच देना है, वो ऑफिस चले जाएंगे, टाइम हो रहा है, तो चलो जब तक माही को सुलाऊंगी ना तब तक ये मेरा एक लोड हो जाएगा यहाँ पे। तो कल से लेके अब तक माही के जितने भी होते ना 10 पैर तो उसका निकलते ही हैं ड्रेस के, क्योंकि वो स्कूल जाती है वो एक पैर हो जाता है, सुबह का एक होता है, फिर दोपहर में खाने के वक्त का एक हो जाता है उसका, फिर पहले वाले दिन का पूरा रहता है ना, तो उसका ऐसे होकर 10-12 तो हो ही जाता है। अब इसी ब्लॉग में आप लोग देखना 3 से 4 आपको मिल जाएगा रात तक। वो ऐसे ही करती है, बच्चे हैं तो करते ही है, तो सारा कुछ मैं अभी लगा दूंगी तो उसको सुलाते वक्त ये मेरा काम भी हो जाएगा यहाँ पे। यार मेरा कैमरा मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो तुम, क्या किए? देखो मैं अभी घर साफ की थी, झाड़ू पोछा सब लगा के स्कूल जाने के बाद, एंड स्कूल से आते ही घर का हालत यही होता है मेरे साथ। बोलो अब कितना कितना संभाल के रखूं घर को, लोग फिर ऊपर से कमेंट करते हैं पहले घर तो ठीक कर लो फिर ब्लॉग बनाना। देखो अभी सुबह ही ठीक की थी घर, 10 बजे 2 बजा एंड घर का हालत। एंड चावल आ गया, इसको रखना पड़ेगा। एंड ये सारा सामान जो कल मैं लेकर आई थी ये मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। मैं ग्रॉसरी लेके आई थी, इनको बोली मैं चावल बोलना भूल गई, आपने चावल लेके आ जाओ। एंड मैं लाल मिर्च लाना मैं भूल गई, मैं बोली मैं लाल मिर्च लाना मैं भूल गई हूँ, एंड आज बाथरूम भी साफ की हूँ, मैं लाल मिर्च लाना भूल गई आप लाओ। तो बोलते कि तुम एक ही साथ क्यों नहीं लेके आ सकती, मैं भूल गई यार, मैं सच में मैं भूल गई, एक मिनट। क्यों चिल्ला रही हो बेटा? एंड ये है लाइफ बॉय का हैंड वॉश, 40% का ऑफ था, नहीं 3 है, 3 लाइफ बॉय है इसमें। बिग बाजार जाते तो शायद कम पड़ता होगा, पता नहीं, लेकिन कौन जाएगा बिग बाजार। ये वेफर्स माई के लिए, बाय वन गेट वन इसका। एंड ये ब्रश का, मैं बोली ना कि मैं इसी महीने के लिए मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि अगले महीने पता नहीं, महेंद्र तो अभी बोल रहे इसी महीने ही घर शिफ्ट कर ले लास्ट में, या फिर बोले तुम रेडी रहना, हम लोग इस लास्ट मंथ भी कर लेंगे या फिर स्टार्टिंग में भी कर लेंगे, तुम अपना सामान पैक करके रेडी रहना। ये क्या होती है, मूवर्स पैकर्स को नहीं बुला रहे हम लोग इस बार, क्योंकि मेरे घर में भी बड़े बड़े के लिए बोलेंगे गाड़ी किसी को तो वो आ जाएंगे लेने के लिए, लेकिन मूवर्स पैकर्स नहीं बुलाएंगे सामान के लिए, क्योंकि मेरे घर से हम लोग 5 मिनट की दूरी पर ही शिफ्ट कर रहे हैं, और ज्यादा भी नहीं। एंड ये वाला है ब्रश, एक लेकर आई हूँ, ये मुझे ये बहुत पसंद है, 50-50 बिस्किट कितने को पसंद है बताओ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इस बार छोटा पैकेट लेके आई हूँ सूजी, नहीं तो मैं 1 किलो वाला पैकेट लेके आती थी, 500 ग्राम पर आई हूँ, इस महीने के लिए चल जाएगा, अगले महीने तो जाना ही मम्मी के पास, ये महीने हो जाएगा। एंड ये लाई हूँ मैगी, 2 पैकेट मैगी। ये है इडली, ये वाला रवा, रवा मेरे को चाहिए ही चाहिए, आज ही मुझे भिगोना है। वही 2 दिन से बोलेगी सुबह, मम्मा आप क्या दे रही हो, मेरे तो गले से नीचे ही नहीं जा रहा है, आप इडली क्यों नहीं
इडली बना रहे हो, ये पूरी साउथ इंडियन बन गई है। बोलते सुबह स्कूल जाते थे इडली बना है खा के जाने के लिए, इडली बना है, अगर इसे कुछ और दे दो ना, पराठा दे दो या फिर उपमा दे दो या फिर खीर दे दो, सूजी का हलवा बनाओ सुबह। तो हलवा तो मैं ज्यादातर नहीं बनाती हूँ, बट फिर भी ऐसा कुछ बना के दो पोहा, तो वो खाएगी नहीं। ना महेंद्र को पसंद है पोहा, ना माही को पसंद है पोहा, दोनों ही बोलते हमारे तो गले से ही नहीं उतरता। एंड मुझे पोहा इतना पसंद है, मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में खा लूँ। ऐसे है मेरे घर का सिचुएशन, एक एक को एक एक चीज पसंद है। ये वाला वो विम वाला लिक्विड है मेरे पास, ये वाला मैं एक और लेकर आई हूँ, वो वाला लिक्विड बाकी है अभी। ये बिस्किट्स माही खाती है ये, एंड ये एक वेफर्स खुल गया है, एंड यस पास्ता। मतलब बोलते तुम तो पास्ता बना ही नहीं रही हो यार आजकल, तो पास्ता इतना इतना तो हमारा बहुत चल जाता है यार, इससे छोटा कोई पैकेट आता ही नहीं है। ये कितना 500 ग्राम है, 250 का आना चाहिए था यार, हम जैसे दो वाले परिवार के लिए इतना बड़ा पैकेट बहुत होता है, क्योंकि पास्ता इतना नहीं खाते हैं। तो कभी कभार उनको चल जाएगा कभी कभार। एंड ये दाल का 2 पैकेट, एंड उसके बाद उड़द दाल का 1 पैकेट मैंने निकाल दिया है भिगो के रखने के लिए किचन में, इसका 1 पैकेट भी मैंने निकाल दिया है। और क्या लाई हूँ, बस इतना। हाँ यार इतना तो बहुत हो गया था, हाँ बस इतना ही लेकर आया। एंड यस ये वाला ये लेकर आई हुई कॉटन पैड्स, ये भी खत्म हो गया था मेरा, बस इतना ही। तो चलो मम्मी ताई ताई कम ऑन, मैं बोलती हूँ इसको ताई ताई करने चले, भाई क्या ताई ताई कोई क्या बोलते कि निनी करने चले, कोई कुछ कुछ बोलते ना, ताई ताई कर लो भाई को लगे माही सन सबको बोलो ताई ताई करना है। ये जो आप लोग कपड़े देख रहे हो ये मैं सूटकेस में लगाने के लिए निकाली हूँ, साड़ी वाड़ी जो भी था उस दिन मैं फोल्ड करके रखी थी, तो फिर उसको अभी अलमारी से एक एक चीज़ निकाल कर रखूँ, क्योंकि सामान के साथ अलमारी नहीं जा सकता। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, एंड जहाँ पे जा रहे हैं वो 3rd फ्लोर पे घर है, तो इसी के लिए, एंड मैं पैकिंग इसी के लिए कर रही हूँ। मैं आपको एंड में बताती हूँ कि क्यों जल्दी से मैंने पैकिंग तुरंत आज ही से स्टार्ट किया है करने के लिए, बहुत ही कम टाइम होता है मेरे पास। आप लोग देखना माही कैसे कर रही है, देख रहे हो ना, मैं एक एक रख रही हूँ, वो ऊपर से एक एक निकाल रही है। एंड महेंद्र आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा काम मुझे अकेले में ही करना पड़ता है, अकेले ही करना पड़ रहा है, तो इसी के लिए तो मैं अपनी टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर में सामान कितना होता है, एंड कुछ छोड़ के जाना ये वो करना कोई है नहीं यहाँ पे, तो अकेले सब देखना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए आजकल। तो यही सामान थोड़ा बहुत साड़ी वाड़ी सब अलग से पैक करके रख लूँगी, क्योंकि ये तो मेरा यूज़ भी नहीं होता वैसे, तो ये एक काम हो जाएगा। ओके लिखो लका लका ए ओके बी बी हाँ बी बी वेयर इज बी हाँ बी एच आई जे के एल एम एन ओ बी वेरी गुड सी गुड गर्ल सो स्वीट सी नो बेटा उल्टा है गला एम्प्टी ओके ओके लीव इट एम्प्टी लिखो सी ना ना ए बी सी इट सी ना बेटा सी कम ऑन राइट सी सेम थी ना एम्प्टी उठो ना ना नो नो इधर इधर सी ओके दिस इज ए बी सी डी ए बी सी डी वेरी गुड। अभी बज रहा है टाइम 8, एंड डिनर कराऊंगी माई को थोड़ी देर बाद। मैं आई थी कुछ कुछ पैकिंग करने के लिए, क्योंकि अभी अभी कॉल आया था महेंद्र का के वहां से कॉल आया था घर से के, मतलब हम जहाँ पे जाने वाले हैं कि या तो देखो पीछे सारा कैसे फैला हुआ है, पूरा घर में दिखाती हूँ, पूरा सामान मैंने निकाल के अभी थोड़ा थोड़ा रखा है, तो क्या पता इस महीने 15 को हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, 20 को हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, इस महीने के एंड में हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में हो सकते हैं, तो उसका कुछ गारंटी नहीं है। जब वहाँ पे काम फिनिश हो जाएगा, उन्होंने बोला कर देंगे बहुत जल्दी, आप लोग तैयार है ना, तो अगर हो जाता है तो हमको जाना तो पड़ेगा जितना जल्दी हो जाएगा, नहीं तो दोनों घर का फिर हो जाएगा प्रॉब्लम, एंड यहाँ पे रेंट वहाँ पे रेंट बहुत प्रॉब्लम होगा, वो बात का इश्यू हो जाएगा। तो मैंने अपने अपना थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे दिन में पूरा जितना ज्यादा टाइम तो मिलता नहीं है इस गंदी बच्ची के लिए, इस गंदी बच्ची के लिए
माई बोलती मम्मा आप मेरे टॉयज लेके जाओगे कि नहीं, एंड वो क्या किए मैं दिखाती हूँ आपको एक सेकंड। उसने सबसे पहले अपना टॉयज निकाल दिया यहाँ पे, देखो कि टॉयज लेके जाना है कि नहीं मेरे को बताओ। लेके जाएंगे ना सारे टॉयज लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे बोलो, उसमें फोर टॉयज लेके जाएंगे। अच्छा चलो हेल्प करोगी मम्मा को? नो no. अरे no? तो अभी मैंने सूटकेस दोपहर में भर्ती किया था ना, जो साड़ी था वो सारा कुछ बोलती मम्मा आपने ये सारे साड़ियां निकाल दो, इसमें मैं ना अपने टॉयज रख दूंगी एंड वो लेके जाएंगे हम लोग। अगर बेड पे दिखाऊं आपको, मैंने सारा कुछ निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है बेड पे, देखो कपड़े माही के, फिर ये पीछे का जो वो ऊपर से सारा कुछ निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, जो गद्दा एक्स्ट्रा, ये बैग सामान भरने के लिए। ओ बाप रे कैसे होगा यार, मैंने एक बार शिफ्टिंग की है, वो पहले ये वाला सेकंड घर है हमारा, उस वक्त एक ही बेड था तो उतना नहीं था वक्त, हाँ उस वक्त माई बोलती वक्त। तो अभी थोड़े ज्यादा सामान है, छोटे मोटे सामान बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े सामान तो वैसे ही चले जाएंगे, छोटे छोटे सामान में ना, एंड हम लोग मूवर्स पैकर्स नहीं कर रहे क्योंकि पास में ही जाएंगे, अगर चेन्नई से बाहर जैसे कि हमारा प्लान है अगर वैसा हो रहा है तो मूवर्स पैकर्स करना पड़ेगा। तो यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में अचानक अचानक से क्या क्या सब हो जा रहा है मेरे, मतलब ऐसे आँख खुला के नहीं इतना सब कुछ चेंज हो गया। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत पैकिंग, या फिर थोड़ी देर बाद यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करूंगी दूसरा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज लाइक करो यार, लाइक बिल्कुल नहीं करते आप लोग, बहुत कम लोग लाइक करते हैं, एंड डिसलाइक करने वाले मुझे नहीं पता क्यों इतने ज्यादा आ गए हैं मेरे चैनल पे, वीडियो अपलोड होता है कि नहीं आके टैप करके एक डिसलाइक कर देते हैं, पर चलो कोई नहीं उनका मन है करने, तो मुझे पता है जानबूझ के करते लोग आजकल मेरे चैनल पे, फिर से बीच में बंद हो गया था, अभी कोई बात नहीं आप लोग करो, मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं। माही चलो बोलो लाइक करो, वाह डर्टी नो, ब्लू कलर का देखो, ब्लूबेरी का लॉलीपॉप खाइए कैसे टंग ग्रीन करी है, ब्लू था ये पता नहीं ग्रीन कैसे हो गया, क्या खाई हो, क्या खाई हो, लॉलीपॉप खाई हो, चॉकलेट नहीं खाते ना, किसने दिया लॉलीपॉप, क्या गिनी की दिल है। यार मैं ही थी वो दुकान में, हम ही लोग बच्चे को चॉकलेट खरीद के देते हैं, फिर हम ही लोग बोलते कितना चॉकलेट खाएगी, कितना चॉकलेट खाएगी, ओल्ड मेरा बच्चा। चलो से बाय, हमें काम है बोलो, हमें पैकिंग करना है, पैकिंग करना है, ए हाउस में जाना है, हाउस में जाना है, ओल्ड बच्चा फिर नया हाउस जाना है, अच्छा फिर और बताओ नया हाउस तुमको अच्छा लगा, वहां पे खेलोगी, छत पे खेलोगी, किसके साथ खेलोगी, मम्मा के साथ और किसके साथ, अक्का साथ, अक्का के साथ खेलोगी, अच्छा ठीक, अक्का को भी घर पे बुलाएंगे हम, टॉयज दोगी अपने, नहीं दोगी टॉयज दोगी, शेयर करोगी, नहीं मिलती हूँ मेरे अगले वाले ब्लॉग पे, बाय टेक केयर। नो क्यों ऐसे करती हो, डिनर कराऊंगी इसका, डिनर नहीं हुआ है, बाय बाय गंजा बच्चा, गंजा बच्चा, गंजा बच्चा, गंजा बच्चा, गंजा बच्चा।